मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया रैप हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय रेप केस प्रकरण की पीड़िता हूँ और यह वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है यह हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर सोशल साइट्स पर हर जगह यह हमारा आखिरी वीडियो होगा। मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया रैप हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय रेप केस प्रकरण की पीड़िता हूँ और यह वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है यह हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर सोशल साइट्स पर हर जगह यह हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें मैं माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए को प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव जी की रिकॉर्डिंग रखूंगी। अंत में मैं उससे पहले कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहती हूँ। यह जो मैं ऑडियो रखूंगी वह ऑडियो 9 जुलाई 2021 का है, यानी कि आप सभी को पता है कि मैं उस दिन दिल्ली से चलकर इलाहाबाद के एमपीएमएलए कोर्ट गई थी और अपने प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र मैंने उनको समक्ष उपस्थित होकर दिए थे। तो आप देखेंगे कि उस दिन मेरे साथ किस तरह से चीजें कारित हुई हैं। पहले तो जब मैं कोर्ट जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता है, मैं अंदर चली जाती हूँ। फिर चूंकि वहाँ कोई नहीं रहता है, बहुत खाली रहता है या मुझे मतलब अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं निकल आती हूँ। फिर इतने के बाद बावजूद तो पता चल ही जाता है, माननीय न्यायाधीश बैठे हुए थे और अधिवक्ता गोपाल सिंह बैठे हुए थे और वो सिपाही भी बैठा हुआ था जो हमेशा डेवन से उल्टा सीधा हरकत करता है, समन भेजना होता है चौकाघाट वाराणसी जेल में तो सेंट्रल जेल भेज देता है, मिर्जापुर भेज देता है, इस तरह की चीजें करने वाला वो सिपाही भी था या तीनों लोग थे। तो तीनों लोगों को पता चल गया कि मैं आई हूँ और मैं इतने दिन बाद आई हूँ, हमला होने के बाद आई हूँ, 6-7 महीने के गैप के बाद आई हूँ, केस को पूरी तरीके से छोड़ने के बाद। तो मतलब मैं किसी न किसी तो काम से ही आई होंगी। तो अब इन लोगों द्वारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है बाहर बैठी पुलिस को, जिसमें महिला सिपाही भी रहती है जो वहां सिर्फ बैठे रहते हैं। आज तक मैंने इतने दिनों में कभी नहीं देखा कि वो किसी से सवाल जवाब करें, बैग बाहर रखने को कहें या कुछ भी इस टाइप की कोई चीज नहीं, चुपचाप केवल बैठे रहते हैं। लेकिन मेरे निकलने के बाद जब मैं दोबारा न्यायालय में घुसने का प्रयास करती हूँ तो वह लोग पहले से एकदम अटेंशन की स्थिति में रहते हैं और मुझे रोकने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो महिला सिपाही भी रहती है और वो कहती है कि आप नीचे बैग रख दीजिएगा। तो मेरे द्वारा झटके से मतलब अपनी सावधानी और सुविधा और दिमाग जो भी है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए झटके से बोलकर आगे बढ़ा जाता है न्यायालय के अंदर और मैं ये कहती हूँ कि मुझे कागज देने, मैं ऐसे कैसे रखूँ। तो मैं अंदर जाती हूँ, फिर आप देखेंगे कि कैसे मैं कोर्ट में बैठे बाबू से पूछ रही हूँ कि मुझे फाइल लिखनी है, तो वो डाल दे रहे हैं कि कोर्ट साहब से पूछिए, यानी कि सामने अधिवक्ता गोपाल सिंह बैठे हुए थे। तो फिर मैं गोपाल सिंह जी से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं नहीं देखता, राजेश गुप्ता जी देखते हैं, और राजेश गुप्ता जी चूंकि दूसरी कोर्ट में थे उस वक्त। फिर मैं पूछती हूँ कि चलिए कोई नहीं, आप ये बताइए कि आज की डेट में यानी 9 जुलाई 2021 की डेट में सीओ भेलूपुर की फर्जी रिपोर्ट वाले जो प्रकरण है उस पर सुनवाई होने वाली थी, तो उस पर जो वाराणसी पुलिस के द्वारा आने वाला था रिपोर्ट वो कहाँ है, वो मुझे दिखा दीजिए क्योंकि आज तो सुनवाई होने वाली है। तो उस पर भी उन लोगों द्वारा टालमटोल किया जाता है। फिर अधिवक्ता गोपाल सिंह के द्वारा कहा जाता है कि मुझे जानकारी नहीं है, आप सिपाही से पूछ लीजिए, मतलब वो सिपाही सारे समन उमन वाले काम करते हैं, चाहे जो कुछ भी इस टाइप के आने जाने वाले जो भी कागजी चीजें रहती हैं। तो वह सिपाही मुझसे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि उनके बिना जानकारी के एक कागज न आ सकता है न जा सकता है, ठीक है। और उनके द्वारा इस तरीके से डाल दिया जाता है, वो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता है, लास्ट में कह देते हैं। फिर अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारी चीजें न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के सामने होती हैं, मतलब 18 दिसंबर 2020 को जान लेने का असफल प्रयास होने के बाद, मेरे गवाह का हाथ उंगली सब टूटने के बाद, मैं 9 जुलाई 2021 को सीधे गई हूं और मैं अपना फाइल देखने की बात कर रही हूं उस डेट पर जो सीओ की फर्जी रिपोर्ट की सुनवाई होने वाली है, जो उस डेट पे आ गया होगा उसको मैं देखने की बात कर रही हूं,
और न्यायाधीश के सामने बात कर रही हूँ, लेकिन सब लोग टालमटोल कर रहे हैं और अंततः मुझे कोई चीज नहीं दिखाया जाता है। फिर मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे यह प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र देना है और मैं देती हूँ। फिर आप देखेंगे कि देने के बाद कुछ चीजें मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, वैसे तो आप ऑडियो सुनेंगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जब मैं देती हूँ तो उनको ऑलरेडी भी पता रहता है कि हमने 4 जनवरी को भी कोई एप्लीकेशन दिया है, उसका वो खुद ही जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आपने पहले भी तो अपना एप्लीकेशन दिया था, तो वो खुद ही बता देते हैं कि उनके संज्ञान में है लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। ठीक है, दूसरी चीज वो पूछते हैं कि आप मुझे क्यों दे रही हैं। मेरे द्वारा जवाब दिया जाता है कि मैं माननीय न्यायालय को दे रही हूं। तीसरी चीज वो पूछते हैं कि आप न्यायालय से चाहती क्या है। यह तो सवाल ही गलत है। कोई न्यायाधीश जो विशेष न्यायाधीश हो, एमपी एमएलए कोर्ट विशेष न्यायालय के कोई न्यायाधीश हो, और वो किसी पीड़ित से भी वो कैसे पूछ सकते हैं कि आप चाहती क्या है। न्याय जो है वो कोई चाहत की चीज है क्या कि उसे पूछ पूछ के दिया जाएगा? यह तो सरासर गलत है। फिर इस तरह की चीजें होती हैं और मेरे द्वारा दे दिया जाता है। फिर सुरक्षा कार्डों से मैं मतलब मेरी ट्रेन भी रहती है उस डेट में, फिर मैं निकल आती हूँ। तो मैं जब फिर उसकी जानकारी प्राप्त करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि सरकारी अधिवक्ता राजेश जी के द्वारा कि साहब ने उस आपने जो कुछ भी दिया था लिखित में उसको हाईकोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है और उन्होंने आदेश निकाला है कि मतलब वो हाईकोर्ट से आने वाले अग्रिम आदेश तक वो सुनवाई रोकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने तो 18 दिसंबर के बाद तो देखा नहीं है कि पत्रावली में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी ने उस दिन जो भी आदेश निकाला होगा उसमें यह कहीं नहीं लिखा होगा कि पीड़िता ने मुझ पर यानी कि मुझ न्यायाधीश पर आरोप लगाए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की आप जब ऑडियो सुनेंगे यह 9 जुलाई वाला, तो आप उसमें देखेंगे कि मैं खुद उनके सामने कह रही हूँ कि मतलब मैं रोते हुए उनको कह रही हूँ कि विपक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट में 22 जून को बेल की सुनवाई में यह कह रहे हैं कि मतलब मेरे द्वारा कोई कागज लगाया गया है जिसमें मैंने खुद लिखा है कि मैं 6 महीने तक आऊंगी नहीं, तो और उनके द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि मुझे मार करके केस छुड़ा दिया गया है। तो यह उनके सामने मैं कह रही हूँ और वह सांस तक नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह सब उनके ही द्वारा कारित कराया गया है, और कौन लगाएगा कागज? ऐसे कैसे विपक्ष के अधिवक्ता की, चाहे वो कितने भी बड़े बाहुबली हो या चाहे कुछ भी हो, उनकी हिम्मत नहीं है, बल्कि एक जो शब्द होता है मैं वो कह रही हूँ, उनकी औकात नहीं है। वह चाहे कितने भी बड़े बाहुबली हो या कितने भी बड़े पैसे वाले हो, उनकी औकात नहीं है कि एक कागज का टुकड़ा लगा देंगे एक पीड़ित के तरफ से, और उसमें वो खुद ही लिख देंगे कि यह एफिडेविट है कि मतलब मुझ पीड़िता द्वारा 6 महीने आए नहीं जाएंगे। क्यों 6 महीने आए जाएंगे भाई? और तुम लोगों के मरवाने के बाद ही क्यों नहीं पीड़िता 6 महीने तक नहीं आएगी? हाँ, उससे पहले का रिकॉर्ड देखो, जब से यह केस यानी 407/19 एमपीएमएल कोर्ट प्रयागराज में गया है, शायद ही 1-2 ऐसे डेट रहे होंगे बहुत विशेष परिस्थिति में जब हमारे द्वारा वहां गया नहीं है, मतलब ये जानते हुए भी बहुत बार गया है कि नहीं, शायद नहीं सुनवाई हो, शायद कुछ दिक्कतें आ जाए, इस बात की भनक रहते हुए भी हम दिल्ली से गए हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, और यह ऑडियो मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने जो 9 जुलाई 2021 को प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र दिया है माननीय आलोक श्रीवास्तव जी को, मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपने जो गलत तरीके से सुनवाइयां की हैं और गलत तरीके से सुनवाइयां करने के बाद गलत तरीके से जो आपने आदेश पारित किया है और हम दोनों की जान की बलि चढ़ा दी है, आपने खुली छूट दे दी है कि हमारी जान ली जाए और उसकी हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मैंने यह साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं यह 9 जुलाई वाला ऑडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं वह जो मेरे पास लंबे लंबे ऑडियो हैं इनकी अन्यायों के, वह मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि वह डालने के बाद तो फिर हमारे रहने के बाद भी और न रहने के बाद भी, यह दोनों ही परिस्थिति में भाई जज हैं और यह अकेले तो है नहीं, इनके साथ लॉ मिनिस्टर और भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी और बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं और होंगे।
तो मैं वो चीजों को खोल के मैं इनको मौका नहीं दूंगी कि ये अपना मतलब अपने बचाव के लिए कुछ बना सके, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं। अमित पाठक ने खूब ऐसी चीजें की हैं, हमसे हमारी सवाल पूछ के, हमसे हमारे पॉइंट्स पूछ के, हमसे हमारे साक्ष्य लेकर, और उसी के हिसाब से फिर सारी चीजें उन्होंने कारित की हैं। तो इसलिए मैं उन चीजों को नहीं रखूंगी, मैं सिर्फ यह चीजें रखकर अपनी बात को प्रूफ मतलब प्रूफ कर रही हूं। और दूसरी चीज कि वह आरडीओ हमारे पास है, यह मैंने दूसरे वीडियो में दिखा भी दिया है कि वो किस डेट पे मॉडिफाइड है। और एक और चीज कि हम रहें या ना रहें, अगर उन आरडीओ की जरूरत पड़ी तो हम रहें या ना रहें वो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देंगे नहीं कि आलोक श्रीवास्तव जी अपना बचाव करने का वो कर ले। तो आप देख लें कि आज के समय में अब न्यायालय भी बचा नहीं है, और न्यायालय में हम पीड़ित क्यों जाएं? अब इस आरडीओ को देखकर आप जनता खुद ही समझते रहेगा कि न्यायालय जाने का क्या मतलब है। एक और मुख्य चीज है कि हमारे जाने के बाद अब चूंकि न्यायाधीश जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा हमारे शिकायत पत्रों को पब्लिक तो किया नहीं गया है और न किसी कीमत पर किया जाएगा, तो अब खेलने के लिए एक और मुख्य बात बच जाती है कि यह लोग खेलेंगे कि मतलब कैसे हमने रिकॉर्डिंग किया, या तो गलत है या तो मतलब बहुत से ऐसे प्रोविजन, बहुत से ऐसे सब संविधान की चीजें भी यह लोग लाने लगेंगे कि यह तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो 9 जुलाई 2021 को 24 पेज का हस्तलिखित दिया हुआ है, मैंने उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने कुछ शौकिया तौर पर यह रिकॉर्डिंग करना नहीं शुरू किया। मैंने जब अन्यायों को देखा, सामने से देखा कि आप किस तरीके से गिरकर हरकतें कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस न्याय की जो प्रणाली है, न्याय की जो गरिमा है, न्यायालय की जो गरिमा है, उस न्यायाधीश के कुर्सी की जो गरिमा है, जब आपको इन चीजों की मैं धज्जियां उड़ाते देखी, तब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करना शुरू किया, यह सोचकर कि न्यायालय की रिकॉर्डिंग करना गलत हो सकता है लेकिन न्यायालय में हो रहे अन्याय का साक्ष्य तैयार करना कतई गलत नहीं हो सकता। यह लाइन मेरे द्वारा उसमें लिखित है। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी ने मेरे उन शिकायत पत्रों और प्रार्थना पत्रों को पूरा देखने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद ही उन्होंने मतलब मैं उनके यहां से आई, मैं उनको देने के बाद। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज वही कि हम लोगों को दिखाया गया कि हाई कोर्ट भेजा गया है। मैं फिर से कह रही हूं, मैं एक और वीडियो में भी कह चुकी हूं, मैं फिर से कह रही हूं कि ऐसा संभव नहीं है कि यह हाई कोर्ट भेजे और हाई कोर्ट इतने बड़े बड़े एलिगेशन को और साक्ष्यों के साथ दिए हुए एलिगेशन को, और वो भी बलात्कार पीड़िता के दिए हुए एलिगेशन को ऐसे पचा जाए, और पचाने के बाद जिस पर आरोप लगा हुआ है उसी के ऊपर सारा जिम्मेदारी दे दे कि मुझे मतलब हाईकोर्ट को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, आप जो मन करे वो करिए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब जब इन लोगों के द्वारा मेरे बिहाफ पे हमें मारने के बाद, केस छुड़ाने के बाद हमारे बिहाफ पे जब खुद ही ये लोग एफिडेविट लगा दे रहे हैं कि पीड़िता आएगी नहीं, तो इन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट के किसी विभाग से एक कागज का टुकड़ा प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, और जब और लॉ मिनिस्टर ही जब इसमें शामिल है। और मैं मानती इसलिए भी नहीं हूं कि हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद का, वह देश के टॉप 3 हाईकोर्ट्स में से, पुराने और अच्छे हाईकोर्ट्स में से एक है, वह ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। वह चाहे लाख केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या बाहुबलियों का, किसी का भी कितना भी इन्फ्लुएंस हो, किसी का भी कितना भी प्रभाव हो, किसी का भी कितना भी प्रेशर हो, तो भी हाईकोर्ट ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि जिस पर उसके मतलब पूरी न्याय प्रणाली पर ही शक होने का जरा सा भी 1% भी संभावना बचे, ऐसा रिस्क हाईकोर्ट नहीं ले सकता। हाईकोर्ट पीड़ितों से, आम आदमियों से बढ़कर नहीं है कि वो किसी हिस्ट्री सीटर के लिए और किसी सांसद के लिए इस तरीके की हरकत करेगा, इसलिए मैं नहीं मानती हूं। यह सब आलोक श्रीवास्तव के द्वारा नाटकीय ढंग से इसलिए किया गया कि वह यह हमें जता दे कि मतलब हमारे द्वारा दिए गए सारी चीजों को उन्होंने हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया, और यह जताने के बाद उनको काफी समय मिल जाएगा, फिर वह सोचे समझे, अपना ग्राउंड तैयार करें, अपना खूब प्रोविजन चेक करें, खूब बड़े बड़े लोगों से डिस्कशन करें कि इसमें क्या और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनको केस तो छोड़ना है नहीं, ये केस तो कतई नहीं छोड़ेंगे, अजीब तरह के न्यायाधीश है। मुझे तो यह विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कई दिनों से, जब से यह एनबीडब्ल्यू वाला आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा कराया गया है, हाईकोर्ट भेजने के नाम पर अंदर अंदर यह चीजें कारित कराई गई हैं कि इन्होंने हाईकोर्ट भेज दिया है, और इधर वाराणसी से मुझ पीड़िता के खिलाफ एनबीडब्ल्यू इश्यू हो जा रहा है, बलिया कोर्ट से मेरे गवाह पर एनबीडब्ल्यू इश्यू हो जा रहा है, और उसके बाद अचानक से हमारे घर समन पहुंच जा रहा है। समन में क्या लिखा हुआ है कि आगे की कार्यवाही में आकर आप उपस्थित हों,
फिर पता चलता है कि हाई कोर्ट ने मतलब कह दिया है कि हाई कोर्ट नहीं हस्तक्षेप करेगा, जो करना है आलोक श्रीवास्तव ही करे, मतलब वह आलोक श्रीवास्तव करे जिन पर मैं पीड़िता ढेर सारे एलिगेशन लगा चुकी हूँ और सबूतों के साथ लगा चुकी हूँ, ऐसे कैसे संभव है। तो यह सब इनके द्वारा कारित कराया गया है और यह बहुत बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। मतलब आप एक बार को पुलिस से मतलब लड़ सकते हैं, थोड़ा सा उनका सामना कर सकते हैं, आप न्यायालय से और न्यायाधीश से कैसे सामना करेंगे जिसके हाथ में ही सब कुछ है। वह चाहे तो क्रिमिनल को फांसी पर चढ़ाए या चाहे तो क्रिमिनल को फांसी से बचा ले, वह चाहे तो पीड़ितों को फांसी पर चढ़ा दे या चाहे तो पीड़ितों को न्याय कर दे। तो कुल मिलाकर अब न्याय की भी क्या स्थिति है, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, सुने और समझ जाएं। और फिर से मैं वही कहूंगी कि पुलिस के पास ना जाओ, पुलिस के पास जाने का मतलब कि पुलिस खेलेगी और फिर पुलिस से चीजें होने के बाद तो न्यायालय ही जाएंगे, तो फिर मतलब न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती आम आदमियों के लिए। आप इन चीजों को अपने पास सेव करके रखें, खुद भी आगाह हो और अपने घर के बेटी बहनों को भी आगाह करें और पुलिस के पास जाने से बचें चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। जैसे वो 12 बजे तक भी होता है ना एजुकेशन का, उसको थोड़ा सा ध्यान करा देंगे, फिर मैं वेट कर लेती हूँ आप आ जाइए। कितना समय लगेगा? तो ये कह रही थी कि कितना जाते थे, मतलब वहाँ जो बाबू रहते हैं उनसे मैं बोलती हूँ कि मतलब फाइल करने का आप मुझे दे दें और आप आगे मेरा फाइल फाइल कोर्ट में होगी, वहाँ ऑफिस में नहीं होगी। तो जैसा आप लगा हुआ है ना केस देखते वहाँ जाके क्या होता है, आप आके मेरा बस दाखिल करा दीजिए। आप पहुँचे थे न्यास खाली होते शर्मा करना मायना देनी पड़ती है, बाकी कोर्ट साहब से बात कर लें, कोर्ट साहब से कोर्ट तक बात कर लें, साहब से बात कर लें। सर मुझे कोई फाइल देखनी है कि मेरे केस में क्या क्या अभी तक हुआ है और एसटी नंबर 407/19। और वो जो आज सुनवाई होने वाली थी वो रिपोर्ट आ गई वारंट से पुलिस को? रिकॉर्ड भी आया नहीं, अभी तक आया नहीं है, आया नहीं दिखा नहीं। वारंट से पुलिस की रिपोर्ट आने वाली थी एसटी नंबर 407/19, वो आ गया आज तो उसको सुनवाई होने वाली थी। सुनवाई होना है, फाइल में होगी, फाइल नहीं रखी आप, सुनवाई होने वाली है लेकिन अभी तक आए नहीं। अभी हम नहीं बता पाएंगे, पहले से अगर बैठी हुई है तो नहीं हमको फाइल बारे में बता पाएंगे। सर मैं माननीय न्यायालय के समक्ष अपना निवेदन रखना चाहती हूँ। जी सर, मैं अकेले आई हूँ और सुरक्षा संबंधी सर वो एप्लीकेशन में एक पेज वो एक्स्ट्रा हो गया। माननीय न्यायालय को दे रही हूँ और मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि मेरे साथ जो आप बीती घटित हुई है अतुलदार पर FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस और न्यायालय में जिस तरीके से जानलेवा हमला कराया गया और केस छोड़ा दिया गया, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे और मेरे गवाह की आप बीती माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जाए और मुझे यहाँ से चलने की अनुमति दी जाए। मैं सुरक्षा कार्डों को देखते हुए मैं दिल्ली से अकेले आई हूँ तो मेरी ट्रेन है, मैं चलना चाहती हूँ और मेरा आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप उसे स्वीकार करें। सर मैं माननीय न्यायालय को संबोधित करके मैंने अपनी सारी आपबीती लिखी है।
सर मुझे न्यायालय प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सिर्फ माननीय न्यायालय द्वारा हमारी इस आपबीती को स्वीकार किया जाए, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। ये हमारा आखिरी निवेदन है, माननीय न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाए। सर मेरा यहाँ कोई प्राइवेट अधिवक्ता नहीं है और मेरे द्वारा यहाँ कोई रहेगा भी नहीं, क्योंकि विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बोला जाता है कि प्राइवेट अधिवक्ताओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और फिर वही होता है जो सरकारी अधिवक्ता लोग चाहते हैं। मैं ज्यादा इस संदर्भ में अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता, सिर्फ मेरा निवेदन है कि मैंने मेरे साथ जो घटा है वो आप बीती माननीय न्यायालय बस स्वीकार करे, क्योंकि मुझे कहीं से न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन स्वीकार कर ले, बस इतना उपकार करे। न्यायालय में मारा जा रहा है पीड़िता के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 6 महीने तक 7 महीने तक पीड़िता यहाँ आती नहीं है, क्या प्रोसीजर चल रहा है कुछ पीड़िता को पता नहीं है। ऊपर से हाई कोर्ट में कुछ ऐसी भी दलील दी जाती है विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा कि पीड़िता ने स्वयं कुछ लिखित में दे रखा है कि वो नहीं आएगी, मतलब पीड़िता क्यों नहीं आएगी, ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि माननीय न्यायालय में मारा जा रहा है और कोई संज्ञान तक लेने वाला नहीं। मैं आपके बारे आपसे निवेदन कर रही हूँ इसे स्वीकार कर ले, मैं माननीय न्यायालय को संबोधित करके मैंने इसे लिखा है और माननीय न्यायालय, मुझे जानकारी नहीं है न्याय की प्रक्रिया की, लेकिन इतनी ज्यादा इतनी जानकारी तो है कि माननीय न्यायालय सबके लिए एक समान होती है, तो माननीय न्यायालय मेरी आपबीती तो स्वीकार कर ही सकती है। जब उनके द्वारा सारी दुनिया का, बीजेपी, राजीव राय, अमृतेश सिंह, सब बलस्वर्णकार, सारी दुनिया का एलिगेशन मेरे द्वारा देकर सब यहाँ थोपा जा सकता है, तो मेरी ओरिजिनल आपबीती तो यहाँ स्वीकार की ही जा सकती है। कृपा करके उसे स्वीकार करें और मुझे अपने सुरक्षा संबंधी चीजों को ध्यान में रखकर मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे उसके बारे में जानकारी अवेलेबल करा देते। तो क्या भेजा आपने? जैसे आज क्या हुआ ना कि मेरे घर पे एकदम सुबह सुबह ही लगभग 7:30 बजे के करीब में एक पुलिस वाला गया था बनारस से, वो कोई समन लेके गया था, तो उस पे सम्मन को काट के और सूचना करके लिखा हुआ है पेन से, और उस पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, और उस पे लिखा है कि मतलब कोर्ट में आना है, कुछ इस टाइप का लिखा है 10 तारीख को। हाँ, वो असल में दरअसल जो है जब आपने एप्लीकेशन दिया था तो उसपे जो है जज साहब ने आदेश कर दिया कि अब जब हर तिथि पे आपको जो है सूचना भेजी जाएगी, अगर आप उसमें उपस्थित होना चाहें और कोर्ट की कार्रवाई देखना चाहें तो आप उपस्थित होकर उसमें जो है कोर्ट की कार्रवाई देखें। अच्छा, तो ये जज साहब ने उसमें आदेश कर दिया, इस वजह से आपको जा रही है। नहीं तो मैं इस बात का मतलब नहीं समझ रही हूँ, इस बात का क्या मतलब है? जैसे आपने तो मुझे बताया था ना कि हाई कोर्ट को सर ने भेज दिया है मेरे द्वारा दिया हुआ चार्ज। हाई कोर्ट से आदेश आ गया, हाई कोर्ट से आदेश आ गया। हाँ। जो है आप अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करें, हाई कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। अच्छा तो हाई कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी आया है उसको आप मुझे थोड़ा सा भेज देंगे? एक आदेश है बस। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा भेज देंगे, क्योंकि ये बनारस पुलिस ने झूठ सच बोल के मेरे खिलाफ NBW इशू करा दिया है। इस मुकदमे जो हमारे यहाँ चल रहा है इससे आपका NBW का कोई लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना देना है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, कैसे नहीं लेना देना है? इस कोर्ट से ना कोई NBW आपके खिलाफ जारी हुआ है, ना इस कोर्ट से कोई मतलब है। अरे गजब हाल है, मतलब इन कोर्ट से मतलब ही नहीं है, दूसरा कोर्ट NBW जारी कर दे, और वो भी तभी जारी करे जब इनके यहाँ मेरे यहाँ से शिकायत जाए, और सिर्फ एक ही जगह से नहीं बल्कि दो दो कोर्ट से NBW जारी हो, ये क्या तरीका है मतलब? और जब केस इसी केस में सुलह करने के एवज में किया गया है अतुल राय के लोगों द्वारा, तो क्यों नहीं मतलब है, इस बात का क्या मतलब हुआ?
आप ये समझिए कि सपोजिंग कोई कोर्ट आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू कर रही है, अब उसके लिए आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन दें जो कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ, तो फुल कोर्ट क्या कर सकती है? कोई नहीं, मुझे ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने जो भेजा है एक बार आप उसको देख लीजिएगा। और दूसरी चीज यह है कि आप जब कोई वहां से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और यहाँ फिर से इनको सुनवाई करनी है, तो आप इन जज साहब को केवल इतना इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कोई बात वो नहीं मानते तो नहीं मानते, मेरे द्वारा यही ठाना गया है इस एनबीडब्ल्यू के एवज में कि मैं ऐसी घटिया चीजों के लिए, मतलब न्यायालय नहीं कुछ और चल रहा है बहुत भयानक तरीके से, तो मैं ऐसी घटिया चीजों के लिए मैं किसी कोर्ट वोट नहीं जाऊंगी, ना स्टे के लिए ना अग्रिम जमानत, मैं किसी भी चीज के लिए मैं एक सिंपल एक प्रार्थना पत्र तक नहीं डालूंगी, क्योंकि प्रार्थना पत्र डालने का मतलब कि मैं उस चीज को मान रही हूं कि कोर्ट ने सही किया है, नहीं मैं मानती ही नहीं, मैं ऐसी कार्रवाई, ये एकदम बेफिजूल की कार्रवाई है, मतलब एकदम बदले की भावना से की हुई चीज है, और इनका पहले से सब नियत है ही कि ये हमारी किसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सब किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बहुत सुंदर। अब मुझे सब पता है कि इसमें लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, ब्रजेश पाठक और उन्हीं के थ्रू सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे ये सिर्फ कह दीजिएगा कि इस एनबीडब्ल्यू के एवज में ना तो मैं किसी कोर्ट जाऊंगी, और दूसरी चीज ना ही मैं किसी पुलिस वाले के हाथ से मैं टच होऊंगी, बस इतना ही उनसे कह दीजिएगा कि मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं ये दोनों में से कोई चीज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अगर इन दोनों में से कोई चीज कर लिया ना, अगर मैं कोर्ट के पास चली गई उस चीज के खिलाफ, एनबीडब्ल्यू के खिलाफ, या फिर पुलिस के मैं हाथ से टच भी हो गई, एक एक उंगली से भी अगर मैं टच हो गई, तो मैं समझूंगी कि ये सारे जो बिके हुए दलाल है ये सारे जीत गए और मैं हार गई, तो इसलिए मैं यह दोनों ही चीजें नहीं करूंगी, मैंने यह ठान लिया है कि मैं मर जाऊंगी और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन मैं यह दोनों चीजें नहीं करूंगी। उनको कह दीजिएगा कि कोई बात नहीं, अब समय नुमन इशू करने का कोई मतलब नहीं है, खूब आराम से सुनवाई करें और अतुल राय को बरी करें, बस और कुछ कहना नहीं। हाँ ठीक है, बस पहुंचा दीजिएगा, बस इसीलिए मैं पूरे दिन परेशान थी, क्योंकि मैं इन सबों के किए हुए हरकतों से मैं अपना कोई सिम वगैरह नहीं यूज कर रही, बस इतना ही उनको पहुंचा दीजिएगा कि करें अपना खुद सुनवाई और निकालें, हमको समय उमन का भेजाने का क्या मतलब है। जो आदेश